भाजपा मिशन लोकसभा 2024 कमलम्मा कारोबारी बैठक योजाशे। राजकोट अमरेली द्वारका पोरबंदर जिल्लानी बैठक बैठक में पेज समिति बूथ समिति और स्पेशल मीडिया मुद्दे चर्चा करवामां आवशे। आगामी लोकसभा चूंटणी रणनीति अंगे पण चर्चा कराशे। प्रदेश भाजप अध्यक्ष सी आर पाटिल राजकोट में नमकीन की फेक्टरी नवा प्लांट की मुलाकात आया था। नमकीन की फेक्टरी प्लांट उद्घाटन करू। नमकीन लॉन्च समारोह में सी आर पाटिल राम मोकरिया मोहन कुंडारिया कांति अमृतिया दुर्लभजी देथरिया सहित कार्यकर्ताओं उपस्थित रहा था। राजकोट में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दरबार नु आयोजन कर बाबा कार्यालय की सी आर पाटिले लीधी मुलाकात। पाटिल आयोजकों की साथ करी मुलाकात। रेसकोर्स ग्राउंड में 1 और 2 जून ने बाबा कार्यक्रम सी आर पाटिले कार्यकर्ताओं की साथ करी मुलाकात। राजकोट में भरुनाड़े पानी काप ढीबर रोड पर आवेला वोर्ड नंबर 7, 14 और 17 में पानी नो काप पानी पाइपलाइन में लीकेज समारकाम की कामगिरी ने लई अने काम गई काले पण 3 वोर्ड में हतु पानी काप। भक्तिनगर प्लॉट विजय प्लॉट गोंडल रोड ढीबर रोड और लोहाणा नगर तथा वाणियावाड़ी गात्राल नगर में गायत्री नगर में पानी नो काप पाइपलाइन समारकाम की कामगिरी ने कारण पानी नो काप। राजकोट लोधिका संघ वाइस चेयरमैन राजीनामा केस में अनेक जूथ समग्र मामले प्रदेश में रजूआत करवा जशे। राजकोट लोधिका संघ डायरेक्टर नितिन कोठेचाए कर्या गंभीर आक्षेपों। बैठक में आगेवान गायब थयो अहेवाल रजू न करता बैठक में उग्र बोलाचाली थी। लोधिका संघ वाइस चेयरमैन राजीनामा केस में 5 करोड़ वधु नफो करती संस्था अचानक ओछो नफो थता सवालों उठ्या अने बोलाचाली थई। सवालों जवाब न आपता अने बोलाचाली दृश्यों जोता वाइस चेयरमैने राजीनामुं धरी दीधुं। राजकोट में करण सिंहजी स्कूल विवाद बालाजी ट्रस्ट विवेक सागर फरी विवाद में आया है। भाजपा कोर्पोरेटर ने ग्रांट मुकेला बाकड़ा तोड़ी पाड़वा आक्षेप कोर्पोरेशन की मिलकत ने नुकसान पहुंचाड़ फरियाद दाखिल। बीजेपी महिला कोर्पोरेटर वर्षा पांधी बजेट में बाकड़ा मुकवामां आव्या हता। सीनियर सीटिजन मुकायेला बाकड़ाओं तोड़ी अने बीजा मुक्या विवेक सागर स्वामी सामे आक्षेपनी साथे पुलिस में लिखित फरियाद। माछीमारों माटे फरी खुशीना समाचार। 2 जून रोज 200 जेटला माछीमारों ने पाकिस्तान जेल में मुक्त कराशे। 200 माछीमारों नाम साथे लिस्ट थयुं जाहेर। आरबीआई 2000 की नोट छापवानु करशे बंद। 2000 की नोटों ने लई अने सोनानी खरीदी पण करवा लोक उमटी रह्या छे बजारों में। काळू नाणू सोना ना ठलवाय तेवी शंकाथी भाव उचकायो। 2000 की नोट थी डॉलर अने पाउंड की खरीदी ऊंचा भावे लोकोने नानी रकमनु पेट्रोल भरावी अने 2000 की नोट वटावी। वडोदरा में 1.25 लाख में बाळक वेचवाना केस में फरियाद थई हती। महिला आरोपी की जामीन अरजी हाईकोर्टे फगावी। कहूं कि आवा केस में आरोपी प्रत्ये दया भावना न राखी शकाय। बाळकोना खरीद वेचाणनो धंधो अभिशाप छे। चाइल्ड ट्राफिकिंग समाजनुं गंभीर दूषण। राजकोट में ऑनलाइन एप थकी मेड एजेंसी मार्फते कामवाड़ी राखी अने राखवी भारे पड़ी छे। शहरना निर्मला रोड पर सिल्वर ओक अपार्टमेंट में रहता परिवारे जस्ट डायल एप्लिकेशन थकी मेड एजेंसी नो संपर्क करी कामवाड़ी राखी हती। जो कि आ कामवाड़ी घर में रुपया 9,70,000 की मतानी चोरी करी अने फरार थई गई हती। आ समग्र मामले फरियाद नोंधाता पुलिसे तपास करी महिला ने दिल्ली थी झड़पी पाड़ी छे। महिला दिल्ली ना अति संवेदनशील विस्तार में रहती होवाथी क्राइम ब्रांच वेश पलटो करी अने ते विस्तार में पहुंची हती। महिला की पूछपरछ में तेमणे राजकोट उपरांत बेंगलुरु हरिद्वार अने मुरादाबाद में पण चोरी करी होवानुं कबूलात करी। हळवद भलगाबड़ा कन्या छात्रालय में विद्यार्थी ने शारीरिक अड़पला अने मानसिक त्रास बाबतनी ऑडियो क्लिप वायरल थई छे। विद्यार्थिनीना माता साथेनो ऑडियो थयो वायरल। राजकोट पुलिस कस्टडी में चोर फरार। आरोपीना टेस्ट करवा लई गया हता त्यांथी चोर थयो फरार। पुलिसे सीसीटीवी फूटेजना आधारे तपास हाथ धरी छे। आरोपी मुकबधीर होवानो करतो हतो ढोंग।
केशोदना रंगपुरमा सगीराने भगाड़ी जता परिवारजनों ने ग्रामजनोना पुलिस स्टेशनमां धामा। सगीराने भगाड़ी जनारने झड़पी पाड़वा माटे मांग। 5 दिवस अगाउ युवकनी सामे फरियाद नोंधाई हती। लखतरमां खाण खनिजनो सपाटो। लखतर हाईवे पर 5 परमिट वगरना बे डम्परने सीज करवामां आव्या छे। 5.5 लाखनो दंड फटकारायो छे। खाण खनिज विभाग अने मामलतदारनी टीमनुं संयुक्त चेकिंग हाथ धरायुं। ભાવનગરમાં મેડિકલ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીની સાથે દુષ્કૃત્યના કેસને લઈ અને પોલીસે યુજીના વિદ્યાર્થી હરીશ વેગીની અટકાયત કરી છે। પીજીના વિદ્યાર્થીની સાથે હરીશ વેગીએ સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કર્યું હતું। રાજકોટ પ્રદેશ ભાજપ ઉપાધ્યક્ષ ભરત મોગરાનું નિવેદન, કહ્યું કે બાબા બાગેશ્વરને લઈ અને કોઈ વિવાદ ન હોવો જોઈએ। સનાતન ધર્મનો ભારતીય જનતા પાર્ટી સ્વીકાર કરે છે। ભરત બોઘરાએ વધુમાં કહ્યું છે કે કોંગ્રેસને પેટમાં ન દુખવું જોઈએ। ભાજપ ચોક્કસ સનાતન ધર્મને સન્માન આપે છે। બાબાના કાર્યક્રમ સનાતન ધર્મની સાથે જોડાયેલા। 2024માં પણ કોંગ્રેસને આનો જવાબ મળી જશે।